डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिपली और वाकई जजमेंट डे के मेंबर्स इस वक्त WWE में टॉप पर मौजूद हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो इस हफ्ते NXT में रिक विलियम को एक बार फिर से हराकर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने 9 मार्च 2023 में टाइटल हारने के 3 दिन बाद फिर से हासिल कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने जजमेंट डे में अपना स्पॉट बचा लिया। वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिपली ने ही डोमिनिक मिस्टीरियो को जजमेंट डे से बाहर करने की धमकी दी थी, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक बार फिर से टाइटल जीत लिया है, इसलिए उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, मिस्टीरियो के टाइटल जीतने के बाद रिया रिपली ने उन्हें किस किया था। अब डोमिनिक ने इस चीज को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में रिया रिपली के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में मामी लिखा। अगर इस हफ्ते NXT में नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप की बात की जाए तो ड्रिक विलियम्स ने मुकाबले में डोमिनिक मिस्टीरियो की हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से वाकई जजमेंट डे मेंबर्स जेडी मैकडोनल्ड को मैच में दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका फायदा उठाकर डोमिनिक मिस्टीरियो ने अंत में ट्रिक्स को स्प्लैश देकर पिन करते हुए NXT चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फैसलैंड 2023 में डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिपली के साथ ही फिन वेलर डेमियन प्रिस्ट को कोडी रोड्स जेउसो की टीम के खिलाफ अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करनी होगी। जेउसो और कोडी रोड्स की टीम शानदार लग रही है, इसलिए इस मुकाबले में जजमेंट डे मेंबर्स बेबी फेस स्टार्स के खिलाफ अपने टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड करना आसान नहीं होगा। अभी तक वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिपली का फैसलैंड के लिए कोई भी मैच बुक नहीं हुआ है। इस वक्त नाया जैक्स WWE में रिया की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि उन्हें जल्द ही रिया रिपली के खिलाफ टाइटल मैच दिया जा सकता है। वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।